अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल किया था कि अबेकस जो कंपनी है वहाँ पर इंटरव्यू किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जिसको आप प्रिपेयर कर लें ताकि आप इंटरव्यू में पास हो सकें। सबसे पहला क्वेश्चन जो तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम रहता है वो ये क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले आप अपनी सीवी पकड़ा देते हैं, उसके बाद फिर आपसे ये सवाल किया जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। अच्छा, अगर आपकी डोमेस्टिक कैंपेन है तो तब भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है, और अगर आपकी इंटरनेशनल कैंपेन है तब भी आपसे ये सवाल किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल कैंपेन में तकरीबन मुकम्मल इंग्लिश ही बोलनी होती है, और जो आपकी डोमेस्टिक होती है उसमें आप उर्दू भी बोल सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आप मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट में ईजी हैं, आपको कोई मसला तो नहीं, आप कर सकते हैं, आपको मतलब नाइट शिफ्ट में तो कोई मसला नहीं होगा। और ऑब्वियसली वो आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आप उनको यही जवाब देंगे कि आपको कोई मसला नहीं होगा, आप मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों शिफ्ट में ईजी हैं। ये जो इंटरव्यू होता है ये मतलब एक जनरल तर्ज का इंटरव्यू होता है, और इसके अंदर ज़्यादातर ये देखना मकसूद होता है कि जो इंटरव्यू हमारे सामने देने वाला बैठा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वो बोल सकता है या नहीं, उसका एक्सेंट कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, उसका एक्सेंट पेंडुओ जैसा तो नहीं है, और अगर उसका एक्सेंट ठीक है तो उसको जो है वो अपना आगे एक फॉर्म दे दिया जाता है, उस फॉर्म को फिल करना होता है। आपने फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको वो वहाँ से भेज देते हैं, और फिर आपको दोबारा कॉल की जाती है, आपको बुलाया जाता है। अब जब आपको कॉल की जाती है इसके अंदर आपको सैलरी वगैरह ऑफर की जाती है, उसके साथ आपको बताया जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, और ट्रेनिंग आपका टेन्योर कितना होगा, 14 डेज टेन्योर होगा या 1 वीक होगा या 1 मंथ आपका टेन्योर होगा, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि आपका कोई एक्सपीरियंस है पहले कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, ये क्वेश्चन भी आपसे आमतौर पर पूछा जाता है। इंटरव्यू के लिए कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो आपने बिल्कुल जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपना कॉन्फिडेंट लो भी नहीं करना, ईजी होके आपने बैठना है, फुल आपने जो है मतलब पूरा सीधे होके बैठना है आपने, और अपने बाजुओं को टेबल के ऊपर भी ना रखें और टेबल के नीचे भी ना घुसाएं, मतलब इस तरह नीचे भी ना करें और इस तरह भी ना रखें, यहाँ पे इस जगह पे आप अपने हाथों को सुकून से रखें और बिल्कुल मतलब आप सीधे होके बैठें, और आपने बिल्कुल अपने अंदर से ये आपने फीलिंग नहीं लेकर आनी कि आपको आता नहीं है कुछ, ही आपको पता नहीं है कुछ, आपने ऐसे ही शो करना है कि आपको पता है और आपने कॉन्फिडेंस के साथ सारे जवाब देने हैं, ठीक है। और आपने दिल से कोशिश करनी है कि आप अच्छे जवाब दें और इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। क्वेश्चन इसके अलावा भी हो सकते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपसे आपकी रूटीन के बारे में सवाल कर सकते हैं, आपसे आपकी हॉबी के बारे में सवाल कर सकते हैं कि वो जान सकें आपको बोलना कितना आता है या आप कितना बोल सकते हैं या आप कैसे किसी को जो है वो मतलब अपना सारा कुछ बता सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी जॉब अपडेट्स आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूँ और लेकर आता रहूँगा। इसके अलावा फिटनेस प्रोग्राम्स भी मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो इस बारे में होगी कि अबेकस के हेड के साथ जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू किस तरह का होता है। ये मैंने जो आपको बताया आज ये फर्स्ट इंटरव्यू है, फर्स्ट इंटरेक्शन इंटरव्यू है, जो हेड के साथ इंटरव्यू होता है वो किस तरह का होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।